हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के प्लान्स आप कम प्राइस में कैसे ले सकते हैं, और साथ में मैं आपको एयरटेल 4K एंड्रॉयड बॉक्स का ओवरव्यू दूंगा और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन के साथ जो फाइबर राउटर मिलता है उसका रिव्यू भी दूंगा। और एयरटेल 4K एंड्रॉयड बॉक्स का बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। भारतीय एयरटेल भारत में एक बहुत सफल फाइबर ब्रॉडबैंड बिजनेस चलाता है। कंपनी अपने फाइबर ब्रॉडबैंड बिजनेस को एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रांड के तहत चलाती है। एयरटेल प्रेजेंट में देश के दूसरे सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। टेलको अपने सभी प्लान्स पर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कंज्यूमर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि डिस्काउंट पाने के लिए कंज्यूमर्स को लॉन्ग टर्म प्लान्स का सिलेक्शन करना होगा। यही नहीं, लेकिन एयरटेल उन कंज्यूमर्स को CPE यानी कि कंज्यूमर प्रेमिस इक्विपमेंट चार्ज से भी मुक्ति देता है जो लॉन्ग टर्म प्लान्स का सिलेक्शन करते हैं। आगे सभी डिटेल्स इसके बारे में है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कंज्यूमर्स से एक इंस्टॉलेशन फी लेता है जिसकी कीमत 1500 रुपये है। अगर आप 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के प्लान्स को चुनते हैं तब आपको उस फी को माफ़ कर दिया जाएगा। इससे सीधे तौर पर 1500 रुपये की बचत होगी और आगे 6 या 12 महीने की प्लान्स के साथ कंज्यूमर्स को 7.5% और 15% का डिस्काउंट मिलता है 499 रुपये से ऊपर के प्लान्स के लिए। इसलिए मंथली प्लान्स का सिलेक्शन करने से आपकी लिक्विडिटी को और भी स्टेबल रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो आपको कंपनी की एनुअल प्लान्स का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे ज़्यादा बचत होगी। प्रीपेड 499 वाले प्लान के कंज्यूमर्स के लिए 6 महीने और 12 महीने की प्लान्स पर 15% की छूट होगी, जबकि कुछ नगरों के पोस्टपेड कंज्यूमर्स को ही यह ऑफर मिलेगा। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान हर महीने 3333 GB की लिमिट के साथ अवेलेबल है। इस FUP यानी फेयर यूसेज पॉलिसी डेटा का यूज़ करने के बाद कंज्यूमर के लिए स्पीड लिमिट 1 MBPS पर गिर जाती है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से न्यू कनेक्शन बुक करने के लिए आपको वेबसाइट या एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाना चाहिए। आप अपने नज़दीकी एयरटेल स्टोर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या केवल कंपनी के कंज्यूमर सर्विस टीम से हेल्प के लिए जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एयरटेल 4K एंड्रॉयड बॉक्स के बारे में। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो ये है एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स एंड्रॉयड TV बॉक्स, जिसमें आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा, 1 मंथ का मेगा पैक और 15+ OTT ऐप्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके का दिखता है एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स, साथ में एक रिमोट कंट्रोल है। तो ये रिमोट कंट्रोल के फंक्शंस हैं यहाँ पे। ये TV चैनल्स के लिए, यहाँ पे माइक होगा, एक रिकॉर्डिंग बटन है, ये ऑप्शंस बटन्स के लिए, और ये है इसका होम बटन, और यहाँ पे 3 डेडिकेटेड ऐप बटन्स दे रखे हैं। तो इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं OTT ऐप, YouTube एंड TV चैनल्स, वॉइस सर्च इन इंडियन लैंग्वेजेस अवेलेबल है इसमें, इन्जॉय 650+ प्रीमियम TV चैनल्स, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है इसमें, फ्यूल विद द पावर ऑफ गूगल, वॉच चैनल्स OTT एंड YouTube ऑन योर TV, 5000+ एप्स एंड 650+ चैनल्स, एंड्रॉयड वर्जन 10 है इसमें। और ये एंड्रॉयड TV बॉक्स में इसके बैक साइड में यहाँ पे ये केबल के लिए पोर्ट है, यहाँ पे ये वीडियो ऑडियो के लिए पोर्ट है, HDMI पोर्ट मिल जाएगा और एक USB पोर्ट है, और ईथरनेट का पोर्ट भी दिया हुआ है इसमें, और साइड में आप देखेंगे तो USB पोर्ट भी गिवन है। रेजोल्यूशन इसका 4K है और DTH रिचार्ज कंपलसरी है इस प्रोडक्ट के लिए, अदरवाइज चलेगा नहीं है। तो इसका प्राइस है 1929 रुपये, और रेटिंग अच्छी है इसकी 4.2 out of 5। तो इसको अगर आप ऑर्डर करते हैं आपको ये 1 से 2 दिनों के अंदर डिलीवर हो जाएगा। इसमें अलग अलग पैक्स भी अवेलेबल हैं, या कह सकते हैं अलग अलग मॉडल भी अवेलेबल है। 1 मंथ मेगा पैक आप देखते हैं तो 1929 रुपये का है। 1 मंथ फ्रीडम स्पोर्ट्स पैक देखते हैं तो वो भी सेम 1929 रुपये का है। 1 महीने का मलयालम पैक 1914 रुपये का है, और 1 महीने का ओडिया पैक है 1863 रुपये, और 1 महीने का वेस्ट बंगाल स्पोर्ट्स पैक 1929 रुपये, और अगर आप 12 महीने का हॉटस्टार प्लस 1 मंथ साउथ पैक लेते हैं तो 3153 रुपये लगते हैं। और दूसरा है 12 महीने हॉटस्टार प्लस 1 मंथ स्पोर्ट्स पैक, वो है 2763, और 12 महीने हॉटस्टार प्लस 1 मंथ तेलुगु पैक, ये है 3149 रुपये। ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल। अब हम बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ में जो फाइबर राउटर मिलता है उसके बारे में। और हाँ, जिनके पास एयरटेल कनेक्शन ऑलरेडी है उनको कौन सी कंपनी का राउटर मिला है, ZTE, हुआई या फिर नोकिया, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो राउटर ब्रांड है ये ZTE का। तो पहले इसमें नोकिया ब्रांड आता था। एयरटेल टेक्नीशियन से पूछा, जो यहाँ पे कनेक्शन लगाने आए थे, उन्होंने बताया
जिस टाइम में जो भी ब्रांड का राउटर आ रहा होता है वही वो यूज करते हैं, तो अब राउटर उनके पास था तो उन्होंने वही यूज किया। उससे पहले उन्होंने बताया नोकिया लगाते थे वो पहले, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अभी आप कुछ लाइट्स ऑन देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की लाइट्स, पहली लाइट ऑन है, यहाँ पे लिखा है पावर। अगर आप पावर ऑन ऑफ करते हैं तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट है PON, तो PON का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अभी आप ये देख रहे होंगे लाइट फ्लैश नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली ऑन है लाइट, तो इसका मतलब फाइबर कनेक्शन है अभी। अगर ये फ्लैश हो रही होगी इसका मतलब फाइबर का कनेक्शन सही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है LOS, यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे LOS, LOS का मतलब है लॉस ऑफ सिग्नल, तो ये लाइट जलनी नहीं चाहिए, अगर जल रही है तो सिग्नल नहीं आ रहा मतलब। नेक्स्ट है इंटरनेट का, इसकी लाइट फ्लैश होती रहती है, ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है, कभी कभी फ्लैश होती है, तो इसका मतलब इंटरनेट ऑन है। और LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, अगर आप LAN यूज़ करते हैं, इसके साथ एक वायर भी मिलती है इस राउटर के साथ, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 LAN पोर्ट्स दे रखे हैं, तो अगर आप LAN पे एक वायर कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में अटैच करते हैं तो यहाँ पे LAN की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट है कि आप विदाउट वाईफाई को टर्न ऑन किए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ़ोन, तो इस प्लान में कॉलिंग आपको अनलिमिटेड मिलती है, तो इसमें फ़ोन की फैसिलिटी है इसलिए लाइट ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़ोन का एक पोर्ट बना हुआ है, काफ़ी साल पहले एयरटेल साथ में फ़ोन भी प्रोवाइड करते थे लेकिन अभी वो नहीं करते लैंडलाइन फ़ोन, तो अभी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा लैंडलाइन फ़ोन, तो आप साथ में वायर भी होगा तो उसमें आप यहाँ पोर्ट पे वायर कनेक्ट करके फ़ोन से कनेक्ट करके कॉलिंग कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। और ये नेक्स्ट है वाईफाई, ये हमेशा ऑन रहता है, ये ऑन नहीं है तो मतलब वाईफाई काम नहीं कर रहा। उसके बाद है WPS, तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं वाईफाई ऑन करके, WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। और नेक्स्ट है USB, यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं अभी, तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको, जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं, सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के यहाँ पे इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये एक वायर है, इसका पावर अडैप्टर है ये, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ मैं स्विच ऑफ कर दूंगा राउटर ऑफ हो जाएगा, अभी इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो वाईफाई राउटर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे है रीसेट, तो इसको पिन से प्रेस करना है रीसेट करने के लिए अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को, वैसे मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसको रीसेट करने की। तो इस तरीके का दिखता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई राउटर, उसके साथ में छोटा सा डिवाइस भी है, ये डिवाइस है इस तरीके की, जैसे आप ये येलो वायर देख रहे हैं तो इसमें ये फाइबर जो वायर होती है बहुत पतली होती है ग्लास की तरह, तो इसको सेफ रखने के लिए ये डिवाइस यहाँ पे लगा रखा है, तो इससे इसके थ्रू कनेक्टेड है इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि फाइबर वायर टूट ना जाए, यहाँ पे काफ़ी सेफ है, यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे येलो वायर के थ्रू यहाँ पे वाईफाई राउटर में कनेक्शन आ रहा है फाइबर। तो ये थी डिटेल्स कि आप कैसे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर प्लान्स कम प्राइस में ले सकते हैं, और एयरटेल 4K एंड्रॉइड बॉक्स का ओवरव्यू जिसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं।
और साथ में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन के साथ जो फाइबर राउटर मिलता है उसका रिव्यू भी दिया है मैंने। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।